है कि लोग यहाँ पर मक्खियों जैसे भिन भिनाते रहते हैं, चिपके रहते हैं, क्या डालते हैं वड़ा पाव में? डार्क चॉकलेट डालते हैं या दूसरी कैडबरी की डालते हैं? हाँ जी दोस्तों, आज हम आए मोहाली में, और आज आपको दिखाएंगे गर्मा गर्म गर्मी में ठंडे ठंडे वड़ा पाव। ये मैम ठंडे ही खिलाते हो ना वड़ा पाव आप? गर्मी मैम ये क्या कर रहे, इतनी धूप लू चल रही है आप गर्मा गर्म वड़ा पाव खिला रहे हैं, ऐसा क्यों सर? अच्छे लगते हैं आप? अच्छे लगते हैं, ट्राई करके देखो, आपको गर्मी में गर्म गर्म अच्छे लगेंगे। अच्छा, गर्मी में गर्मा गर्म अच्छे लगते हैं। तो मैम ये कब सोचा, थॉट कंसेप्ट आइडिया कैसे आया आपको वड़ा पाव का? सर एक दिन ऐसे बैठे बैठे मन किया था खाने को मन किया, सर्च किया, कहीं नहीं मिला जी, तभी थॉट आई खुद कर लेते। तो आप तो पंजाब से वड़ा पाव कैसे सोचा? मैं मुंबई रही हुई हूँ जी। अच्छा, मुंबई रहे हैं आप? हाँ जी। तो वहाँ पर कितना टाइम लगाया आपने? वहाँ स्टडी करते थे? नहीं, फैमिली विजिट के लिए जी, रिलेटिव्स वहाँ पर जी जी जी। तो वहाँ का ऑथेंटिक वड़ा पाव की रेसिपी जी और जादू आप अपने हाथों में पकड़ कर लेके आ गए हैं? ये मेरी खुद की रेसिपी है। ये खुद की रेसिपी, वहाँ की कुछ नहीं है? मतलब नहीं, वहाँ की है, प्रॉपर वहाँ की है, पर ऑथेंटिक वे जो है मेरा जी वो मेरा खुद का है। खुद का। तो मैम क्या क्या रहता है, कैसे कौन कौन से टाइप के रहते हैं आपके पास वड़ा पाव? वड़ा पाव होता है, चीज वड़ा पाव होता है, नॉर्मल वड़ा पाव होता है। नॉर्मल वड़ा पाव रहता है। बस सुनने में आ रहा है कि लोग यहाँ पर मक्खियों जैसे भिन भिनाते रहते हैं, चिपके रहते हैं, क्या डालते हैं वड़ा पाव में? डार्क चॉकलेट डालते हैं कि अमूल की या दूसरी कैडबरी की डालते हैं? सर कोई चॉकलेट नहीं डालती इसमें, बस बाबा जी का सारा आशीर्वाद है। आशीर्वाद है, आप भी तो मेहनत कर रहे हैं मैम। तो आते कितने बजे हम कार्ड पर? 5:30 आते हैं सर। 5:30 आते हैं? 9:30 तक होते हैं। अभी जितनी महंगाई है ना, परिवार सारा एक कमाए तो फिर भी नहीं चलता है, जॉब तो है नहीं, स्कोप भी नहीं है, कोई और बिजनेस का भी स्कोप नहीं है जी, फेल ही होते हैं। नहीं, मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करने वालों की ना हमेशा बाबा जी जैसे आप कर रहे हैं वो साथ होते हैं, और वो दिख रहा है आप इतनी तपती धूप में काम कर रहे हैं, है ना? आते 5:30 बजे है ना? हाँ जी। क्या बात है, मसाला दिखा दो जायका जो लोग मतलब इतना पसंद कर रहे हैं। धनिये की चटनी होती है। धनिये की चटनी है, ठीक है। और ये है गन पाउडर जिसको बोल रहे हैं, कुछ खाटी मसाला बोल रहे हैं, इसी का टेस्ट है असली। इसी का टेस्ट। हाँ जी। मिक्सर कौन सा होता है इसमें गन पाउडर में? गन पाउडर में सर बहुत सारी चीजें डलती है, मैं रेसिपी नहीं बताऊंगी। अच्छा, नहीं बताएंगे? अगर मैं कैमरा बंद कर दूंगा तब बता देंगे? पक्का? चलो डील फाइनल होगी ना। अच्छा जी, ये चलो वो रेसिपी तो मैं आपसे सीख के जाऊंगा। तो देख लो, रिस्क हो जाएगा, अभी आपने नवा नवा कार्ड खोला, कहीं मैं भी ना लगा दूं। मैं पूरा नहीं बताऊंगी। अच्छा, पूरा फिर भी नहीं बताएंगे? ओहो यार, बता दूंगी तो फिर आपके पास कैसे आएंगे ना, अगर आपने पूरा बता दिया। तो मैम ऑयल तो आपका बड़ा फ्रेश लग रहा है, ये डेली ऐसी रहता है? डेली से फ्रेश यूज होता है, आज यूज होकर चला गया, बचेगा वो घर पे हम यूज कर लेंगे कामों में, यहाँ पे पैकेट नया खुलता है, तो क्वालिटी देंगे तो लोग जरूर आएंगे। जी जी, क्या बात है। तो मैम प्राइस क्या रहते हैं? सिंपल 30 का रहता है, चीज वाला 50 का, बटर वाला 40 का। अच्छा जी, कि जो चीज वाला जो लोग ज्यादा खाते हैं कि बटर वाला कि सिंपल? सिंपल ज्यादा जाता है। सिंपल 30 रुपीज का ना? हाँ जी। जिन लोगों को ऑथेंटिक टेस्ट पता है ना महाराष्ट्र का, वो सिंपल ही प्रेफर करते हैं। तो मैम कोई आया मुंबई से अभी तक खाने के लिए? बहुत सारे सर, बहुत सारे। एक तो कस्टमर हमारे ऐसे भी आए थे, वो कहते हैं कि मैं स्पेशली अपने घर वापस जाता था वड़ा पाव खाने, अब नहीं जाया करूंगा। अच्छा जी, क्या बात है। तो ये पाव कहाँ से लेके आते हैं? पाव सर हम बनवाते हैं बेकरी से। बेकरी से बनाते हैं? हाँ जी। और बटर कौन सा रहता है? अमूल का? बटर अमूल का सर। अच्छा जी, तो हम देख लो टेस्टी पक्का होगा ना कि नहीं होगा सर, ये आप खा के खुद बता। क्योंकि मैं रिव्यू बहुत जेन्युइन देता हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल जेन्युइन रिव्यू ही चाहिए। और देखो माता जी कह रहे खाओगे फिर आओगे, माता जी ने तो फाइनल कर दिया, मतलब सही है। ऐसा ही हमारे कस्टमर जो एक बार खा के गए हैं वो वापस आए हैं। चटनी की रेसिपी तो नहीं बताओगे, पूछ के तो कोई फायदा ही नहीं है ना? नहीं, सिफारिश भी नहीं चलेगी कोई? नहीं सर। ठीक है जी सर, रेसिपी बता दी फिर क्या फायदा, मेरी रेसिपी चोरी हो जाएगी। ठीक है जी मैम, गन पाउडर? हाँ जी सर। तो मैम इसमें ऐसे भी रहता है कि जैसे ब्रेड क्रम्स को फ्राइड करते वो वाला तो नहीं? हाँ डाला जी सर, नहीं वो भी मैं करती हूँ। हाँ क्रंची करने के लिए करती हूँ, लेकिन आज ना मैं अकेली हूँ ना, तो किया नहीं। और भाई साहब वड़ा का साइज देख लो ना, देखो मुंह कैसे खुल रहा है, इतना बड़ा डाल, थोड़ा छोटा बना देखो, इतना बड़ा ज्यादा डालते खिलाते हो। छोटा बनाऊंगी ना फिर पाव जो बच जाएगा ना वो खाया नहीं जाएगा बिना जी जी जी, इसलिए बड़ा बनाते हैं। अच्छा, पेट पूरा भरना चाहिए मतलब है ना? बिल्कुल। ये लो जी फ्राइड मिर्ची आ गई, उसके बाद फिर चटनी देंगे? हाँ जी सर, चटनी साथ में। क्या बात है भाई साहब, मैम मेरे तो मुँह में पानी आ रहा है, आपके आ रहा है? हाँ जी। अच्छा थैंक, चटनी देते हैं ग्रीन, बड़ा रहता है, पाव रहता है, मैंने विदाउट बटर वाला बनाया, और ये देखता हूँ मैं टेस्ट और जायका कैसे रहता है ना। बड़ा आ गया, पाव भी आ गया, और ये चटनी आ गई। बड़ा को अच्छी तरह से प्रेस कर लो, और टेस्ट में दम आ यार, मुझे लगा ऐसी सड़क पर खड़े हैं किसी कॉपी करी हुई रेसिपी। ये मुंबई वाली बात है, इस हाथ में जाना, इस हाथ में कला है, बहुत ही टेस्टी बना रखा, यमी क्वालिटी वाला फूड है। ये बता दो किसने खाने के लिए आना हो तो लोकेशन एड्रेस बता दो, कहाँ पर? लोकेशन सर 78 सेक्टर है जी, बैक साइड गुरु नानक स्ट्रीट से। हाँ, सामने मंडी लगती है। और मैम आपने हमारे को टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद है, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।